तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द नदर न्यू ब्लॉग। तो गाइज, अभी मैं ये जो ब्लॉग है रैंडमली ऐसे ही शुरू कर दिया हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पर मैं चाहता हूँ रेगुलर रहूँ, ठीक है। हमारे चैनल पर बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा आने वाला समय में। बट ये जो ब्लॉग होने वाला एक तरीके का लाइफ स्टाइल ब्लॉग है, तो फिर बट मैं अभी जो हूँ, अभी लाट बगान में हूँ। आपको बता दूँ, आप अगर बंगाल से होंगे तो आपको पता ही होगा लाट बगान क्या है। यहाँ पर पुलिस का ट्रेनिंग होता है, जो लोग सिलेक्ट होता है, सिलेक्शन यहीं से होता है। पूरा ऑल ओवर बंगाल में, पूरा इतना बड़ा बंगाल में सिलेक्शन यहीं पर होता है। क्या वही जो यहाँ फेल तो फेल, पास तो पास, या सब बिल्डिंग में सब रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो फिलहाल मैं अभी इधर ही आया हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे क्वार्टर में, चलिए आप देख सकते हैं। और ये जो मार्ट है ना, इस मार्ट में हमेशा ट्रेनिंग ही होता है। अगर आप बंगाल में हैं, वेस्ट बंगाल में हैं, तो लाट बगान का नाम तो भली भांति सुना ही होगा। अगर आप आर्मी में जाइए, पुलिस में जाइए, कहीं भी जाइए, तो पहला जो है ट्रेनिंग और सिलेक्शन इसी मार्ट में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्ट, आपको 360 डिग्री में हम दिखाते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह हो रहा है। जो लोगों का भी सिलेक्शन चल रहा है, उन लोगों का यहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा है। इसमें से सिलेक्ट होगा तभी आगे जाएगा, या फिर ये लोग सिलेक्ट भी हो गया होगा तो वो भी ट्रेनिंग कराता होगा। गाइस ये ब्लॉग अभी एंड नहीं करूँगा, थोड़ा देर तक चलेगा, ठीक है, चलिए कंटिन्यू रहिए। तो गाइस मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये थर्ड मार्ट में, यहाँ पर एक छोटा सा एक टेम्पल टाइप का, यहाँ पे महादेव का मंदिर है, चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक छोटा सा मंदिर है, महादेव का शिवलिंग जो है आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये महादेव का इधर मंदिर है। ये मंदिर का दर्शन भी कर लिए यहाँ पे आए थे। और गाइस मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरा आया हुआ करीबन 2 साल के बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। वैसे तो मैं यहाँ के हमेशा क्रिकेट खेलता था, लेकिन 2 साल से यहाँ नहीं आ रहा था, क्योंकि कोविड का चलते इधर आना बंद था, बाहर की जो पब्लिक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे आ चुके हैं, आपको जितना हो सका मैंने ब्लॉग में भी दिखाया। और वहाँ पर देख सकते गाइस, यहाँ का जो एरिया में जो भी रहते हैं, वहाँ पे सब अपना खेलते रहते हैं, यहाँ पे जो क्वार्टर में रहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, भाई इधर आओ, बॉलिंग अभी कौन कराया था, कौन कौन कराया था, आओ पीछे आओ, इधर आओ। सो गाइस यहां पर मैंने क्रिकेट खेला। यहां पर आप लोग क्वार्टर में रहते हो ना? मतलब जो क्वार्टर में ही रहते हो ना? आप लोग के पापा पुलिस वगैरह होंगे, ट्रेनिंग करते होंगे? ट्रेनिंग नहीं, ये तो वीडियो है। हां, मतलब यूट्यूब है, यूट्यूब में ये अपलोड होगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं, यहां पे जो लोग क्वार्टर में रहते हैं आप देख सकते हैं, सभी बोलो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय। आउट है गाइज। यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखोगे ना, एक सेकंड मैं कैमरा का लेंस पूछता हूँ। सो गाइज यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देखोगे ना, तो ये क्वार्टर में भाई हर कोई क्रिकेट ही खेलता है, कोई यहाँ फुटबॉल वगैरह में देखता नहीं हूँ, खेलता है। और यहाँ पर इन लोगों का खूब खेलने का जगह हो जाता है क्वार्टर में, आप देख सकते हैं। गाइज अभी मैंने आपको दिखाया थर्ड मार्ट, ठीक है, मतलब एक लाइफ स्टाइल ही ब्लॉग है, आप समझ लेना। तो गाइज अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अन्नपूर्णा मंदिर, जो कि ये अन्नपूर्णा मंदिर में पिछला 2 हफ्ता से ना बहुत सारे सेलिब्रिटी लोग आ रहे हैं, इवन मिथुन चक्रवर्ती नाम है ना उनका, वो भी आए थे। तो वो ब्लॉग भी आपको देखने को मिल जाएगा आपको इस चैनल पर, वो तो आके गए। हाँ, सो गाइज मैंने तो अन्नपूर्णा मंदिर का पहले से ही बना के रखा है ब्लॉग, बट आप उस पर सपोर्ट दिखाइए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर। तो चलिए फिलहाल अन्नपूर्णा मंदिर चलते हैं, और जितना हो सके ब्लॉग देखिए, कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल पहुँच चुके हैं अन्नपूर्णा मंदिर, अभी आपको एक चीज़ दिखाते हैं। जिस वक्त मैं व्लॉग बनाया था उस वक्त में ना, मतलब नॉर्मल था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है ना अन्नपूर्णा मंदिर, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको क्या ही हम बताएं, बहुत इम्प्रूव हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाउंड्री वगैरह भी अब यहाँ पर दे रहा है सब, अभी और भी काम यहाँ चल रहा है, बहुत चीज़ अभी यहाँ होगा। ये रहा अन्नपूर्णा मंदिर, चलिए अंदर चलते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पर कि अच्छा खासा तो भीड़ है, कितना सुंदर लग रहा है। गाइस यहाँ हम जब भी आते हैं यार, सचमुच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, एक मन को सुकून भी मिलता है,
और काफ़ी अच्छा व्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे अन्नपूर्णा मंदिर का है। तो आप भी अगर बैरकपुर के एरिया का है या फिर बाहर का है तो ज़रूर यहाँ मंदिर में एक बार विजिट करिएगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद गाइस मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और यार आके यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। आप देखो दक्षिणेश्वर का जो मंदिर है एकदम सेम ये है, ठीक है। तो जो भी है चलिए कंटिन्यू रहिए, अभी यहाँ पे पूजा नहीं हो रहा है, शाम का वक्त में यहाँ पे जो है आरती वगैरह सब होता है, जो भी आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा चलिए कंटिन्यू रहिए। और मैंने इसके पहले भी यहाँ पर एक आकर ब्लॉग बनाया था इवनिंग का टाइम पर जो कि आरती वगैरह का मैंने लिया था, तो उसको अभी तक नहीं देखे तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा। चलिए कंटिन्यू रहते हैं। तो गाइज गुड मॉर्निंग, सो अभी मॉर्निंग का टाइम है और इस ब्लॉग को मैं कल एंड करना भूल गया था, तो अभी मॉर्निंग है, अभी सुबह का 7 बज रहा है। सो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलिए गाइस मिलते हैं वीडियो के साथ, अब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।